हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय टाइनी स्पेस में। फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ा हूँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी की एक स्ट्रीट पे और मैं खड़ा हूँ कुछ पोस्टर्स के साथ। तो इस पोस्टर पे लिखा है स्टार के विथशाफ्ट गुटे आरबाइट जिशर सोशल स्टार। तो इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, गुड वर्क और सेफ वेलफेयर स्टेट। तो जैसा कि ट्रांसलेशन से इसके मतलब से आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये एक इलेक्शन का स्लोगन है। तो फ्रेंड्स, आज 26 सितंबर है, संडे है और आज जर्मनी में नेशनल इलेक्शंस हैं। तो आज के हमारे व्लॉग का टॉपिक भी है कि जर्मनी में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या जर्मनी में स्पेशली इलेक्शन सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। फ्रेंड्स, आज तक हमने एक टॉपिक बनाए थे जर्मनी को लेके, कुछ ट्रैवल रिलेटेड बनाए थे, कुछ नॉर्मल लाइफस्टाइल रिलेटेड बनाए थे। तो हमने सोचा क्यों ना इसमें कुछ एक ये टॉपिक भी ऐड कर दें कि जर्मनी में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इलेक्शन सिस्टम है, वो कैसे चलता है और थोड़ा आपको इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दें। इस बार के जर्मन इलेक्शंस काफ़ी इंटरेस्टिंग माने जा रहे हैं। उसका एक कारण ये है कि अंगेला मर्कल, जो पिछले 16 साल से जर्मनी की चांसलर थी, 4 बार जर्मनी की चांसलर इलेक्ट की जा चुकी हैं, वो इस बार पॉलिटिक्स से रिटायर हो रही हैं। तो जर्मनी को एक नया चांसलर मिलने वाला है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई नया हेड ऑफ़ गवर्नमेंट आता है, हेड ऑफ़ स्टेट आता है, तो नेचुरली काफ़ी पॉलिसीज़ भी चेंज होती हैं, थोड़ी आइडियोलॉजी चेंज हो सकती है, भले ही वो सेम पार्टी से भी हो। तो एक बड़ा चेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस बार जर्मनी की पॉलिटिक्स में। और जर्मनी की इलेक्शन में जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ जर्मनी के ही लोगों का नहीं रहता है, पूरे यूरोप की नज़रें जर्मनी पर रहती हैं, क्योंकि यूरोप का इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रॉन्ग नेशन है। जो यूरोपियन यूनियन है उसकी पॉलिसीज़ को जर्मनी काफ़ी ड्राइव करता है, काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है यूरोपियन यूनियन में जर्मनी का, और वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी बड़ी इकॉनमीज में से एक है, टॉप 5 में से रहती है हमेशा। तो एक तरह से पूरे वर्ल्ड की नज़रें होती हैं जर्मनी के इलेक्शंस पे। तो हमने सोचा कि आपको थोड़ा जर्मनी की इलेक्शन प्रोसेस और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में थोड़ा इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो फ्रेंड्स, जर्मनी के इलेक्शन सिस्टम के बारे में जानने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वोटिंग से। तो जर्मनी में वोटिंग के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एज है 18 ईयर्स। तो जिन लोगों को इंडिया का सिस्टम पता है तो शायद आपको पता होगा कि इंडिया में भी मिनिमम रिक्वायर्ड एज जो वोटिंग के लिए वो 18 है। एक डिफरेंस जर्मनी और इंडिया के सिस्टम में यहाँ ये आता है कि जर्मनी में आज भी बैलेट पेपर पे वोटिंग होती है, दैट मीन्स पेपर बेस्ड वोटिंग होती है, और इंडिया में जिन्होंने स्टेट इलेक्शंस या नेशनल इलेक्शंस में पार्ट लिया हो या वोट दिया हो उन्हें पता होगा कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, बट जर्मनी में आज भी बैलेट पेपर बेस्ड वोटिंग होती है। और एक डिफरेंस ये है कि इंडिया में अगर आपको वोट करना है तो आपको अपनी कंस्टिट्यूएंसी में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, कि आपको खुद जाके वहाँ पे वोटिंग सेंटर में जाके वोट देना पड़ता है। जर्मनी में अगर आप किसी और देश में हैं, किसी और कंट्री में हैं, अब्रॉड में हैं, तो अपना वोट आप बाय पोस्ट बैलेट पेपर पे अपनी अथॉरिटीज़ को भेज सकते हैं। कंडीशन ये है कि इलेक्शन डे के 6 PM तक, शाम तक वो वोट पहुँच जाना चाहिए, तभी वो वोट काउंट होगा। तो वोटिंग सिस्टम के बाद अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो इंडिया के सिस्टम से आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हमारे इंडिया में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं तो 545 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वोट करते हैं एक कैंडिडेट के लिए, और जिस कैंडिडेट के उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं वो जीत के पार्लियामेंट में जाते हैं। तो उसी तरह जर्मनी में भी पूरा एक कंट्री वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड हैं सीट्स, और जो कैंडिडेट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे खड़े होते हैं, लोग उनके लिए वोट करते हैं, और जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं। जर्मनी में ऐसी टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नंबर है 299। तो 299 कैंडिडेट्स इलेक्ट होके जर्मनी की पार्लियामेंट में जाते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि इंडिया में आप हमेशा पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एक वोट देते हैं, जो कैंडिडेट आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्टैंड हुए हैं उनमें से कोई एक कैंडिडेट को चूज करके आप वोट देते हैं। जर्मनी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे पर पर्सन 2 वोट्स दिए जाते हैं। एसटीएसटी में, जर्मन में एसटीएसटी में बोलते हैं, इंग्लिश में फर्स्ट वोट, और ज्वाइटस्टी में इंग्लिश में सेकंड वोट। फर्स्ट वोट हर पर्सन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट स्टैंड हुए हैं उनके लिए देते हैं, और सेकंड वोट बैलेट पेपर पे सेकंड वोट का ऑप्शन होता है वो देते हैं पार्टी के लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक कैंडिडेट को वोट किया जो किसी और पार्टी से बिलोंग करता है, और जो पार्टी का वोट है वो किसी और पार्टी को दिया। तो हर पर्सन के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक कैंडिडेट को वोट करने के लिए और एक पार्टी को वोट करने के लिए। तो जो कैंडिडेट्स अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं वो डेफिनेटली पार्लियामेंट में जाते हैं, बट इन कैंडिडेट्स के अलावा कुछ और कैंडिडेट्स भी पार्लियामेंट में जाते हैं। ये जाते हैं जो हर पर्सन ने सेकेंड वोट दिया है, जो दैट मीन्स जो सेकेंड वोट जो एक पार्टी को जाता है, तो नेशन वाइड काउंटिंग होती है कि हर पार्टी को वो सेकेंड वोट कितने परसेंट मिला है। तो उसके बेसिस पे कुछ और कैंडिडेट्स भी पार्लियामेंट में जाते हैं।
और ये एक बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन इसको सिंपली समझें तो इसका जो फोकस पॉइंट निकलता है वो ये है कि पार्लियामेंट में अगर आपकी पार्टी की जो सेकंड वोट में परसेंटेज है वो फॉर एग्जांपल 30% है, तो पार्लियामेंट में उस पार्टी की स्ट्रेंथ, उस पार्टी के टोटल मेंबर्स 30% ही होंगे। सो फॉर एग्जांपल CDU एक पार्टी है, अगर उसको सेकंड वोट में 32% वोट्स मिले हैं तो पार्लियामेंट में उसकी स्ट्रेंथ 32% ही होगी। तो इसी हिसाब से ये कैंडिडेट्स पार्टीज पार्लियामेंट में भेजती हैं, पूरा एक पार्लियामेंट बनता है। और हाँ, जब एंड में पूरे पार्लियामेंट में कैंडिडेट्स डिसाइड हो जाते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स पार्लियामेंट में जाएंगे, तो 50% से ज़्यादा जिस पार्टी की स्ट्रेंथ होगी पार्लियामेंट में, वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है और अपना लीडर चूज कर सकती है। और उस लीडर को जर्मनी में बोला जाता है चांसलर। जैसे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं उन्हें हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, जर्मनी में उस लीडर को चांसलर बोला जाता है। तो जिस पार्टी का 50% से ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर किसी भी पार्टी का 50% से ज़्यादा नहीं है तो यहाँ भी कोएलिशन का ऑप्शन होता है। तो आफ्टर इलेक्शंस भी पार्टीज आपस में बातचीत करके ये कोएलिशन फॉर्म कर सकते हैं, अगर कोएलिशन, जैसे हम हिंदी में गठबंधन बोलते हैं, और जब उस गठबंधन का 50% से ऊपर स्ट्रेंथ हो जाता है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। इस सिस्टम में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे भी काफ़ी स्ट्राइकिंग लगा, काफ़ी पसंद आया, वो ये है कि अगर किसी पार्टी के टोटल जो सेकंड वोट में परसेंटेज है वो 5% से कम है, दैट मींस ओवरऑल नेशनल इलेक्शंस में उन्हें 5% से कम वोट मिले हैं, या फिर उनकी 3 सीट से कम सीट्स आई हैं, तो वो अपने कैंडिडेट्स पार्लियामेंट में नहीं भेज सकती। दैट मींस नेशनल पॉलिसीज में या गवर्नमेंट बनाने में वो पार्टी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। तो ये एक तरह से चांसेस कम किए जाते हैं कि जो वोट कटिंग होती है, छोटी पार्टीज रीजनल पार्टीज बना लेते हैं, हमारे इंडिया में काफ़ी होता है ऐसे, तो एक तरह से डीमोटिवेट किया जाता है छोटी पार्टीज बनाने का, और नेशनल पॉलिसीज में जो एक तरह से इम्पैक्ट कर सकती हैं छोटी छोटी पार्टीज। तो इस चीज़ को डीमोटिवेट करने के लिए ये सिस्टम रखा गया है कि मिनिमम हर पार्टी की परसेंटेज जो पार्लियामेंट में है वो 5% होनी ही चाहिए। करंटली जर्मन पार्लियामेंट में 6 पार्टीज की स्ट्रेंथ है, CDU, CSU, CSU जो CDU की ही एक सिस्टर पार्टी है, CDU फुल फॉर्म है क्रिस्टलिश डेमोक्रेटिक यूनियन, जैसे क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन जो जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी भी है, करंटली पावर में है, अंगेला मर्कल CDU की ही लीडर है। सेकंड है STP सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। थर्ड पार्टी है AfD अल्टरनेटिव फॉर डॉयचलैंड, जो कि एक तरह से राइट विंग पार्टी मानी जाती है जर्मनी में, पिछले कुछ सालों में ही इसका राइज हुआ है। नेक्स्ट पार्टी है FDP फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड देन उसके बाद है दी लिंके, जिसे लेफ्ट पार्टीज भी बोला जाता है, तो उसे जर्मनी में दी लिंके बोला जाता है, एंड लास्ट में दी ग्रूने, द ग्रीन्स बोला जाता है जिन्हें। तो इस टाइम इन 6 पार्टीज की जर्मन पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ है, और उनका कितना परसेंटेज है वो आपको स्क्रीन में इस टाइम चार्ट की तरह दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग लास्ट टाइम 2017 में जर्मनी की पार्लियामेंट फॉर्म हुई थी। लास्ट इलेक्शन में 2017 में किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई थी, कोई भी पार्टी 50% से ज़्यादा वोट्स नहीं ले पाई थी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। तो CDU, CSU और SPD के बीच में एक बहुत बड़ा कोएलिशन हुआ था, क्योंकि ये दोनों सबसे बड़ी पार्टीज हैं जर्मनी में। तो इस कोएलिशन को जर्मन में ग्रोको शॉर्ट फॉर्म में, और ग्रोसे कोएलिशन बोला गया था, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बनेगा था बिग कोएलिशन। तो इस कोएलिशन में बाद में जर्मनी में गवर्नमेंट बनाई थी, और अंगेला मर्कल फिर से 4थी बार जर्मनी की चांसलर बनी थी। तो फ्रेंड्स, ये जो सारा सिस्टम है जर्मनी के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का, और ये जो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है पार्लियामेंट में कैंडिडेट्स भेजने की, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज में है, जर्मनी में है, न्यूजीलैंड में है, आपने देखा कि इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है ये सिस्टम पार्लियामेंट में कैंडिडेट्स भेजने का और बाद में गवर्नमेंट फॉर्म करने का। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, आप वहाँ पढ़ सकते हैं अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं जर्मनी में कैसे गवर्नमेंट बनती है। और अगर आप इंटरेस्टेड और ज़्यादा हैं कि सिंपल लैंग्वेज में समझने की कैसे ये एक्चुअली में फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, शायद हम कोशिश कर सकते हैं कि इसका एक वीडियो बनाएं। तो एक छोटी सी हमारी कोशिश थी आपको जर्मनी के इलेक्शन सिस्टम को समझाने की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा हमारा वीडियो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। बाय बाय।